दोस्तों इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर टाइप ब्लॉग कैसे ब्लॉगर में आप फ्री में क्रिएट कर सकते हो। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों पहले तो डेमो दिखा देते हैं। सो जैसे कि मेरे पास ए साइड है और यहाँ पे आप देख सकते हो एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर है। सो यहाँ पे कोई जो आंसर होगा इस एमसीक्यू क्वेश्चन का तो उस पर क्लिक करोगे तो ग्रीन दिखेगा एंड बाकी जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है तो उसमें रेड दिखेगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन आंसर साइट कैसे आप ब्लॉगर में क्रिएट कर सकते हो उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। सो बहुत ही आसान एंड सिंपल तरीके से आप इस तरीके का वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। आपको डायरेक्टली blogger.com ओपन कर लेना है blogger.com। सो blogger.com में आने के बाद आपको अगर फ्री में आप इसको ट्राई करना चाहते हो तो सब डोमेन क्रिएट कर लो एंड ट्राई करो। एंड अगर आपका ब्लॉग में ट्रैफिक आने लगा उसके बाद आप क्या करो एक कस्टम डोमेन ले लो एंड उसको इसके साथ कनेक्ट कर लो। कैसे कनेक्ट करते हैं ब्लॉगर के साथ कस्टम डोमेन उसके बारे में भी मैं एक वीडियो बना के रखा आई बटन पे एंड डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। वहां से जाके आप सेटअप कर सकते हो कस्टम डोमेन एंड एमसीक्यू वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे ब्लॉगर पे आपको वेबसाइट क्रिएट करने के बाद आपको न्यू पोस्ट पे जाना है। न्यू पोस्ट पे मैं ऑलरेडी यहाँ पे न्यू पोस्ट ओपन करके रखा। यहाँ पे आपको HTML व्यू ओपन कर लेना है। वहाँ पे मैं जो कोड प्रोवाइड करूँगा डिस्क्रिप्शन पे को कोड को उठाना है और यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे कोड पेस्ट करने के बाद कोड कुछ इस तरीके का। तो पहले तो मैं इस HTML कोड को समझा देता हूँ। सो यहाँ पे देख सकते हो कि क्वेश्चन आंसर जो सिस्टम है बना है इसमें क्वेश्चन जो है H3 टैग के अंदर है, मतलब हेडर 3 टैग के अंदर है। सो आपका जो क्वेश्चन होगा ये हेडर 3 के अंदर आपको डालना होगा और चार जो ऑप्शन होगा मल्टीपल चॉइस जो चार ऑप्शन होगा आप इसमें तीन भी कर सकते हो, चार भी कर सकते हो, पांच भी कर सकते हो। ये मतलब आप घटा बढ़ा सकते हो। यहाँ पे मैं टोटल 25 क्वेश्चन को सेट करके रखा। आप अगर इस 25 क्वेश्चन आपको चाहिए नहीं तो मतलब ओनली 10 क्वेश्चन चाहिए तो आपको क्या करना है बाकी को डिलीट कर देना है। तो डिलीट कैसे करोगे, यहाँ से देखो ये जो कोड है यहाँ से ऐसे ही डिलीट कर दो एंड लास्ट में देखो जो DIB क्लोजिंग है तो इस क्लोजिंग को डिलीट नहीं करना है। आपको जस्ट क्वेश्चन वाला पोर्शंस इतना पोर्शन आपको डिलीट करना है तभी वो क्वेश्चन मतलब वो जो पोर्शन है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको कुछ इस तरीके। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि जो राइट आंसर है उस पर क्लिक करेंगे तो ग्रीन दिखेगा एंड जो रॉन्ग आंसर है उस पर क्लिक करेंगे तो रेड दिखेगा। तो इस तरीके का सिस्टम कैसे मैं कोडिंग के मदद से दिखाया उसको आप यहाँ पे देख सकते हो। सो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ कैसे मैं इसको इम्प्लीमेंट किया। जो आंसर राइट है उसमें आपको आईडी एक डिफाइन करना होगा। सो यहाँ पे आईडी इक्वल टू 1 फर्स्ट क्वेश्चन में मैं डिफाइन कर दिया। अब डिफाइन करने के बाद आपको लेवल के अंदर आपको फॉर करके फॉर इक्वल टू I1 इसको यहाँ पे भी डिफाइन करना होगा। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको आईडी इक्वल टू 1 लिखना है एंड नेक्स्ट आपको लेवल के अंदर फॉर इक्वल टू 1 लिखना है तभी जो आंसर जिसमें आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे उसमें आपको ग्रीन सिग्नल दिखेगा मतलब वो राइट आंसर होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर दिया। मान लो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर सेकेंड वाला है तो सेकेंड वाला अगर होगा तो सेकेंड में हम आईडी इक्वल टू देखो 2 दे दिया एंड यहाँ पे फॉर सो यहाँ पे फॉर इक्वल टू 2 दे दिया। तो ऐसे करके आपको डिफाइन करना होगा इसको, मतलब जो राइट आंसर होगा उसको ही सिर्फ डिफाइन करना है बाकी आंसर में नॉर्मल जैसे रहेगा वैसे रहेगा। थर्ड क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है तो यहाँ पे देखो ऑप्शन थर्ड क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ठीक है, और बाकी रॉन्ग है।
देखो रॉन्ग है। अब यहाँ पे मैं चेंज करना चाहता हूँ कि ऑप्शन नंबर 3 को करेक्ट ना करके दूसरा ऑप्शंस को थर्ड क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन को करेक्ट करना चाहता हूँ। मान लो जो कास्ट आयरन है इसका आंसर कास्ट आयरन है, तो इसको यहाँ से उठा के हम फोर्थ में डाल देते हैं एंड यहाँ से उठा के ब्रोंज को मैं थर्ड में डाल देता हूँ, तो इसका आंसर तो चेंज हो गया। तो मतलब मान लो 4 वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट होगा, तो इसको कैसे करेक्ट में डिफाइन करोगे, ये आईडी को आपको उठाना है, आईडी को उठा के 4 में डालना है। तो हम डाल दिया आईडी को। अब देखो यहाँ पे जो 4 जो था 4 को इसको कॉपी कर लेना है एंड यहाँ पे कॉपी करने के बाद यहाँ पे एक स्पेस देंगे लेवल के बाद, स्पेस देने के बाद 4 इक्वल टू 3 लिख देंगे। तो इसमें अपडेट कर देते हैं, अपडेट करने के बाद मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, इसको भी रिफ्रेश कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 याद रखना, क्वेश्चन नंबर 3। सो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका आंसर कौन सा हुआ, 4। तो 4th में मारेंगे तो ग्रीन हो गया और देखो बाकी में रेड हो गया। तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हो। रिगार्डिंग कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं एंड मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने का। यूज़ करके आप अपना वर्डप्रेस में भी क्वेश्चन आंसर साइट बना सकते हो। अगर उसमें कुछ भी दिक्कत आता है वर्डप्रेस साइट बनाने में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं नया से एक वर्डप्रेस के लिए ट्यूटोरियल वीडियो लाऊंगा। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड टेक फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और भी किसी एक्साइटिंग वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय एंड टेक केयर।